तो पंडित जी, अगर बात की जाए तो किन ग्रहों की वजह से लोगों की कुंडली में जब होता है उनका मन नहीं लगता, कैसी स्थिति रहती है? जो आराधना की बात की जाए तो मन नहीं लगता, आस्था में मन नहीं लगता, क्या उपाय करें जिससे पूजा सफल हो? क्योंकि ऐसे लोगों की पूजा तो सफल नहीं हो पाती। देखो, फिर से एक बार बताना चाहूंगा बेटा, पंचम भाव जो है ये पूजा उपासना का भाव है, लेकिन नौवां भाव जो है ये धर्म का भाव है। कुंडली में जो भाग्य भाव होता है वो नौवां भाव कहलाता है, वो धर्म का स्थान है। कोई व्यक्ति कितना धार्मिक है और कितना सात्विक है, कितना नेक नियत है, ये जानने के लिए नवम भाव का ही अध्ययन करना पड़ेगा। पूजा किसकी करेगा ये तो पांचवें भाव से आपको पता चल जाएगा, लेकिन व्यक्ति धार्मिक होगा कि आडंबरी होगा कि आध्यात्मिक होगा, उसका गुरु कैसा होगा, गुरु से उसको उन्नति प्राप्त होगी कि गुरु से उसकी अवनति हो जाएगी, ये सब बात नवें भाव से विचार किया जाता है। अगर नवें भाव में बकरी गुरु हो तो वो पूजा में रुकावट पैदा करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का पूजा में मन ही नहीं लगता है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन भी ठीक नहीं रहता है। कुंडली में नौवें भाव का बकरी शनि भी पूजा में परेशानियां खड़ी करता है, या नवम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ जाए, ये एक प्रकार से राजयोग भी है, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति का पूजा में मन नहीं लगता है। ऐसे व्यक्ति का पूरा जीवन ही गृहस्थ और संन्यास के बीच झूलता रहता है। ऐसे लोग न तो सदगृहस्थ बन पाते हैं न अच्छे संन्यासी बन पाते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए बैल या गाय के बछड़े को गुड़ खिलाएं, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली के तेल का दान करें, निश्चित रूप से इससे सुधार होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि अगर आपके भाग्य स्थान में नीच का बृहस्पति नीच के नवांश में हो तो ऐसे लोगों को किसी मनुष्य को अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए। कहते हैं बिना गुरु मुक्ति नहीं होती है, ये बात सच है, लेकिन ऐसे लोगों को कभी अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को गुरु बनाने के लिए राम कृष्ण हरि में किसी देवता में अपना गुरु तो देख लेना चाहिए, उन्हीं को अपना मानसिक गुरु मान करके अपनी पूजा आराधना साधना करनी चाहिए। जगत बंदे कृष्णम जगत गुरुम, इस संसार के संपूर्ण चराचर जगत के गुरुदेव अगर कोई हैं तो वो हैं भगवान श्री कृष्ण। अगर कोई मनुष्य आपका गुरु नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मान करके, उनको साक्षी मान करके, आप अपने जीवन में यदि कर्म करेंगे, पूजा उपासना में मन लगाएंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी और आपकी सदगति भी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी।